तो उधर राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वीरवार को मैनीफेस्टो जारी कर दिया। कांग्रेस ने इस मैनीफेस्टो में 400 तो ज्यादा ऐलान शामिल किए हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस का चुनाव मैनीफेस्टो सिर्फ दस्तावेज ही नहीं है, इसको सरकार बनाने के समय सिर तरीके से लागू किया जाएगा। इस मैनीफेस्टो को पीसी दफ्तर में सचिन पायलट, प्रदेश इंचार्ज अविनाश पांडे, साबका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मैनीफेस्टो समिति के प्रधान हरीश चौधरी, राहिनी नायक अते पवन खेड़ा ने जारी किया। चुनाव मैनीफेस्टो विच कई वादे किए गए, जिन्हां विच किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा, नौजवान प्रीख्या के लिए मुफ्त सफर करेंगे, मजदूर वेलफेयर के लिए बोर्ड बनेगा, नौजवानों को नौकरी अते आसान लोन देने का भी वादा किया गया, घट व्याज से कर्जा दिता जाएगा, ट्रैक्टर अते खेती संदा के लिए GST तो छूट मिलेगी, बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने का भी वादा किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा ने भी एक और अपना घोषणा पत्र जारी किया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि राजस्थान में सरकार बीजेपी की रही 5 साल, केंद्र की सरकार रही। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने 5 साल की जो विफलताएं थी, जो वादे पिछली बार किए थे जो पूरा नहीं कर पाए, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी, प्रायश्चित करना चाहिए था और उसके बाद अपनी आगे की बात बोलते। बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं, लेकिन आप जानते हो जो पार्टी 15 लाख रुपये खाते में जमा कराने की बात बोल चुकी है और 4 नए पैसे किसी खाते में आए नहीं, आज वो भत्ता देने की बात करती है। 5 साल तक लोगों को बेरोजगार रखा, लाठियां चलाईं, उनको भला बुरा कहा गया और आज नौजवानों को वो मासिक भत्ता देने की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना घोषणा पत्र बहुत अध्ययन करने के बाद, चर्चा करने के बाद प्रस्तुत किया है और जैसा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी बोल चुके हैं और हमारे मैनिफेस्टो में भी आज हम लोग कह रहे हैं कि किसानों का जो कर्जा है उसको कांग्रेस पार्टी माफ करेगी और एक नई शुरुआत करने का मौका हमारे किसानों को राजस्थान में मिलेगा। हम लोगों ने मैनिफेस्टो में यह भी लिखा है कि हम जो महिलाएं हैं राजस्थान प्रदेश में, जो लड़की पैदा होगी उसके पैदा होने तक और जब तक वो पढ़ाई करना चाहे, सारी पढ़ाई उसकी मुफ्त होगी, निःशुल्क होगी, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ाई में आगे और आए। राजस्थान संभवतः शायद पहला प्रदेश होगा जहां महिलाओं की सारी एजुकेशन राजस्थान सरकार वहन करेगी। हम लोगों ने इसमें राइट टू हेल्थ का मेंशन भी किया है, डिटेल्स मैनिफेस्टो में आपको मिलेंगी। हम लोगों ने इस बात का भी विवरण रखा है कि किसान बहुत सी उम्मीद रखता है और कृषि लाभदायक हो नहीं रही, विशेष रूप से जब किसान की थोड़ी उम्र बढ़ जाती है, तो हम लोगों ने वृद्ध किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान अपने मैनिफेस्टो में हमने शामिल किया है। हमने GST के बाहर जो कृषि के उपकरण हैं, ट्रैक्टर आदि, हम चाहते हैं कि किसान को राहत मिले और हम सिफारिश करेंगे और ये करेंगे कि GST के बाहर लेकर आएं जो कृषि के उपकरण हैं, विशेष रूप से जो इम्प्लीमेंट्स हम लोग खेती के लिए यूज करते हैं, क्योंकि किसानों को सबसे ज्यादा चौतरफा मार पड़ी है भाजपा के शासन में। मोदी साहब और मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन यथास्थिति बनी हुई है और आर्थिक संकट और एग्रीकल्चरल क्राइसिस जो है राजस्थान में वो सबसे ज्यादा हो चुका है। कुछ प्रावधान अपने बजट में रखें, बहुत सारे अन्य बिंदु हैं, गोचर भूमि का हम बोर्ड बनाना चाहते हैं, अतिक्रमण होता है गोचर भूमि के ऊपर, विवाद होता है, लिटिगेशन में फंस जाता है, तो हम चाहते हैं बोर्ड बनाकर उस समस्या का समाधान हम कर सकें। जो हमारे नौजवान हैं जो नौकरियों के लिए एग्जामिनेशन देने के लिए आते हैं सेंटर्स पर, हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि जो नौजवान अपने एडमिशन कार्ड लेकर आएंगे उनके लिए जितना भी ट्रैवल है वो हम फ्री कराएंगे ताकि नौजवान अलग अलग सेंटर्स में जाके अपना एग्जाम दे सकें।